हाय गाइस, वेलकम टू यू कल्याण एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ टंगुलाजी एंड एग्रीकल्चर वाला यूट्यूब चैनल्स में। इससे पहले हम 11th एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की बात किए थे। जो 11th एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, जो एडमिशन ले चुके हैं, वो 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, जिसके बारे में हम लोग कल जिक्र किए थे। फर्स्ट सब्जेक्ट था एग्रोनॉमी, सेकेंड था बॉटनी, थर्ड थी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फोर्थ था फिजिक्स एंड फिफ्थ था मैथमेटिक्स। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, और 5 सब्जेक्ट्स में हम पहला सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी, और एग्रोनॉमी के बारे में डिफिनेशंस और सम इम्पोर्टेंस टर्म जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं एग्रोनॉमी एक्चुअली है। एग्रोनॉमी जो होता है, यह वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है जिसको, जो एग्रोनॉमी जो टर्म है वह ग्रीक टर्म से लिया गया है। ये 2 भागों से मिलकर बना है। पहला एग्रोस प्लस नोमोस, अब एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेज। तो कह रहा है कि फील्ड का मैनेजमेंट करना, किसका फील्ड का मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करने की क्रिया को ही कहते हैं एग्रोनॉमी। क्या कहते हैं? फील्ड, यानी कि फील्ड का मैनेजमेंट करने की प्रक्रिया क्या कहला रहा है? एग्रोनॉमी कहला रहा है। एग्रोनॉमी की ठीक से डिफिनेशन अगर देखें तो कहा जाता है, आइए बात करते हैं डिफिनेशन की। एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स स्टडी अबाउट प्रिंसिपल ऑफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। आइए हम डिफिनेशन देखते हैं। क्या कि एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, जो एग्रोनॉमी है हमारा वो किसकी ब्रांच है? एग्रीकल्चर की, जिसके बारे में हम कल जिक्र किए थे। जो एग्रीकल्चर है वह कृषि है, जो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है और एग्री प्लस कल्चर वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब सॉइल और कल्टीवेशन। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, जो कल हम लोग डिस्कशन में पढ़ चुके थे, उसी का एक ब्रांच है। कौन सा? एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील स्टडी अबाउट, जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? विच डील स्टडी अबाउट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत और प्रैक्टिसेस मतलब कि कर्षण क्रियाएं। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत और प्रैक्टिसेस मतलब कर्षण क्रियाएं। किसकी? प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। किसकी? क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप मीन्स होता है क्या? फसल। आइए देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। जो एग्रोनॉमी कह रहा है कि क्रॉप प्रोडक्शन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट, हमको एक वैज्ञानिक यानी सैद्धांतिक तौर पे कर्षण क्रियाएं करके जो हम फसल का उत्पादन करते हैं, और फील्ड का प्रबंधन करते हैं, वह क्रियाएं क्या कहलाती है? एग्रोनॉमी। डिफिनेशन हमारी कंप्लीट हुई कि एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स स्टडी अबाउट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। अगर हिंदी में हम इसको देखेंगे तो कहा जाएगा कि एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम फसल उत्पादन के सिद्धांतों एवं कर्षण क्रियाओं और मृदा प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान।
अब एक्चुअली हम देखते हैं एग्रोनॉमी एक हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो एग्रोनॉमी को फादर्स, जिसको बोलेंगे फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी वो कौन है? पेट्रो डी क्रेसेंजी जी है। कौन? पेट्रो डी क्रेसेंजी जी। आइए देखते हैं, पेट्रो डी क्रेसेंजी, पेट्रो डी क्रेसेंजी जी जो है वह फादर ऑफ एग्रोनॉमी। तो ये दो टर्म्स हमारे कंप्लीट हुए। पहला हमारा डिफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी, डिफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी हमारा कंप्लीट हुआ, और दूसरा हमारा फादर्स कौन है एग्रोनॉमी के। अब हम देखते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन की हमने बात किया था, तो ये एक्चुअली क्रॉप होता क्या है? आइए देखते हैं, क्रॉप, क्रॉप्स, क्रॉप्स जिसको हम बोलते हैं फसल। अब क्रॉप्स के बारे में जान लेते हैं। तो क्रॉप्स यानी फसल किसे कहते हैं? पौधों का वह समूह जिसे मनुष्य उसे अपने उपयोग के लिए और आर्थिक महत्व के लिए उगाता है, फसल कहलाता है। सो क्रॉप की डिफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रू फॉर ह्यूमन, ग्रू फॉर ह्यूमन यूजेस एंड इकोनॉमिकल वैल्यू। तो कहा जाए अ ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रो फॉर ह्यूमन यूजेस, किसके लिए? मनुष्य के उपयोग के लिए, एंड इकोनॉमिकल वैल्यू में आर्थिक महत्व के लिए। जब हम किसी पौधों के समूह को ग्रो करते हैं, किसके लिए? मनुष्य के उपयोग के लिए और आर्थिक सुधार के लिए, आर्थिक वैल्यू, आर्थिक महत्व के लिए, तो उसको बोलते हैं हम क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कहा जाए एक फील्ड में हमने कल्टीवेशन किया है, किसका? वीट का, राइस का, मेज का। ये जो फील्ड में जितने भी हमारे राइस, मेज और वीट दिख रहे हैं, सब क्या कहलाएंगे? एक क्रॉप्स कहलाएंगे। ठीक है, तो पहली टर्म्स हमारे डिफिनेशन, दूसरा क्रॉप्स, और थर्ड जो है फादर ऑफ एग्रोनॉमी कम्प्लीट हुए। तो हम आज फर्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का वर्गीकरण। क्या? फसलों का वर्गीकरण। तो फर्स्ट हम फसलों का वर्गीकरण 4-5 टाइप्स का पढ़ेंगे। पहले टाइप्स का पढ़ लेते हैं कि फसलों का वर्गीकरण, पहले सीजन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप अकॉर्डिंग टू सीजन। यानी कि बोले तो ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। फसलों को हम ऋतुओं के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। पहला क्या है? खरीफ, दूसरा रबी, तीसरा जायद। ये फर्स्ट है खरीफ, सेकेंड है रबी, और थर्ड है जायद। इन तीनों सीजन में यानी तीनों ऋतुओं में अलग अलग क्रॉप्स की बुआई की जाती है। उसके अंतर्गत आने वाले हम फसलों को खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कि खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स जो होता है स्टार्ट कब होता है? जून जुलाई से। कहां से? जून जुलाई से स्टार्ट होता है, और इसकी हार्वेस्टिंग होती है जून जुलाई से स्टार्ट होता है और अक्टूबर और नवंबर तक चलता है, अक्टूबर और नवंबर तक चलता है। ये सभी क्रॉप्स की वैल्यूएबल है, ड्यूरेशन टाइम है वो 4 मंथ होता है। कितने मंथ होता है? 4 मंथ होता है। खरीफ
जो स्टार्ट हो रहा है वो देखिए कहां से हो रहा है, जून से हो रहा है। जून से अब काउंटिंग करेंगे अक्टूबर तक तो 4 मंथ हो जाएगा। देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मंथ हो गया। फिर जुलाई से देखिएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 मंथ के स्पेस को हम देके जोड़ते हैं। अब देखिए रबी की जो बुआई होगी वो जहां पे एंड होगा खरीफ की बुआई, वहां से शुरू होगा रबी की बुआई। देखिए अक्टूबर और नवंबर में इसकी बुआई होती है और फिर 4th मंथ आप ज्वाइन कर लीजिएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो फरवरी और मार्च में इसकी इंडिडेट हो जाती है, तो फरवरी और मार्च तक इंडिडेट हो जाती है। अब इस फरवरी और मार्च से हम इसकी जायद क्रॉप्स की हम क्या ले लेते हैं, स्टार्टिंग यानी कि सोविंग यानी बुआई हो जाती है। फरवरी और मार्च हम ले लेते हैं और फिर फरवरी से जोड़ लीजिए आप, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर क्या आ गया हमारा जून, फिर जुलाई, ये मार्च टू 4th जुलाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऋतुओं के आधार पर फसलों का जो वर्गीकरण किया गया है वो उसका समय जो है आप देख लीजिए, खरीफ की बुआई जून जुलाई में और कटाई और हार्वेस्टिंग होती है उसकी अक्टूबर नवंबर में की जाती है। रबी की बुआई जो होती है अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई उसकी फरवरी मार्च में की जाती है। और जायद फसल की बुआई जो है कि फरवरी और मार्च में की जाती है और जून जुलाई में कटाई की जाती है। इस प्रकार से इसके अंतर्गत जो आने वाले क्रॉप्स यानी फसल है उसके नाम भी आप जान लीजिए। कि मान लीजिए कि आप खुद सबके फसलों के नाम जानते हैं, आइए आपसे बात करके हम लिखते हैं कि जो जून जुलाई है हमारा, जून जुलाई में इस समय जो सीजन चल रहा है हमारा, ये इस समय अगस्त, आप देखेंगे कि जो क्रॉप चल रहे हैं उनकी सोइंग डेट हुई होगी जून जुलाई में हुई होगी। जो क्रॉप चल रहे हैं आप देखिए इस समय क्या चल रहा है आपका, धान, मक्का, आप आसपास देख रहे होंगे अरहर, धान, मक्का, अरहर, बाजरा की बुआई हुई है, जो हार्वेस्टिंग हो गई, बाजरा, मूंग, सॉरी उड़द, और आपके ये धान, मक्का, अरहर, बाजरा, उड़द, ज्वार, ये सबके सीजन जो है खरीफ के हैं, ठीक है। अब रबी के सीजन में आ जाइए, अब आप देखेंगे गेहूं, मटर, चना, गेहूं, मटर, चना, जौ, जई, जौ, जई, ये मुख्य रूप से इसकी फसलें बुआई की जाती हैं हम लोग रबी में। फिर इसमें आलू भी आ जाता है आपका, है ना, ये सब फसलें क्या कहला रही है हमारे, रबी क्रॉप्स। इसमें सोयाबीन भी आ जाता है, और जायद वाले में जैसे खीरा, कुकुरबिटेसिस फैमिलीज के जितने पौधे हैं सब आ जाते हैं, खीरा, तरबूज, खरबूज, लौकी, कद्दू, ये सब सभी क्रॉप्स जो हैं हमारे किसमें आ गए, जायद क्रॉप में आ गए। तो इस प्रकार से हमने खरीफ, रबी और जायद के आधार पे फसलों का वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें हमने खरीफ क्रॉप्स में कुछ फसलें आई हैं इसको हमने बात किया, धान, मक्का, अरहर, बाजरा, उर्द, ज्वार, सोयाबीन। रबी क्रॉप्स में आने वाली फसलों में गेहूं, मटर, चना, जौ, जई, आलू आ गए। फिर जायद वाली फसल में हमारे खीरा, तरबूज, खरबूज, लौकी, कद्दू, करेला, ये सब जितने भी कुकुरबिटेसिस फैमिली के क्रॉप्स होते हैं सब इसमें आते हैं। तो इस प्रकार से फसलों का एक वर्गीकरण हमने पढ़ा। दूसरा वर्गीकरण हम कल आपको लेक्चर्स में लेके आएंगे, तब तक के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।